जय मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। एक बार पुनः आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आज यात्रा कराने निकल चुके हैं। अपने घर से 265 किलोमीटर फ्रॉम चांसराय लखनऊ की तरफ से मैं आज आपको लेकर चलूँगा लास्ट पॉइंट हैदरिया गाजीपुर 341 किलोमीटर की लोकेशन तक। दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज का शानदार सफ़र यूट्यूब चैनल अजीतांजलि के साथ। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और चलिए आगे की वीडियोज़ में आपको आगे लेकर चलते हैं। अभी हम 272 किलोमीटर लोकेशन फ्रॉम चांसराय, 272 किलोमीटर लोकेशन फ्रॉम चांसराय, यहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं। दोस्तों, बहुत सारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स लखनऊ एक्सप्रेसवे से बलिया जाने का रास्ता पूछते हैं। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में आपको बलिया जाने का रास्ता बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। दोस्तों, जगह जगह सफ़र के नियम लिखे हुए हैं, अधिक टायर प्रेशर खतरनाक है एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए, तो हवा थोड़ी कम रखें। और यहाँ देखें लिखा हुआ कीप हाईवे डिस्टेंस 70 मीटर, गाड़ी से गाड़ी की दूरी कम से कम 70 मीटर रखनी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये पीली लाइन के उस पार नहीं जाना है, उधर इमरजेंसी के लिए जाना होता है गाड़ी में खराबी वगैरह आ जाने के बाद। ये जो पहली लेन है ये भारी वाहन के लिए, बस ट्रक लोडेड वाहनों के लिए, मोटरसाइकिल आदि के लिए है। जो सेकेंड रो है, सेकेंड लेन मार्किंग के बीच का एरिया जो है वो कार लेन होती है तेज चलने वाली गाड़ियों के लिए। जो थर्ड लेन होती है डिवाइडर के पास वाली लास्ट लेन, वह ओवरटेकिंग लेन होती है। दोस्तों, उससे गाड़ियां बहुत तेज़ गति से ओवरटेक की जाती हैं। स्पीड लिमिट की बात करें दोस्तों, जो फर्स्ट लेन है जिसमें भारी वाहन चलने हैं, देखिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, बीच में जो कार लेन है 100 किलोमीटर, और जो दाहिने तरफ है वो ओवरटेकिंग लेन। अभी हम आ चुके हैं 287 किलोमीटर लोकेशन पर। अभी स्थान है जहाँ पर वाराणसी गोरखपुर वाराणसी बलिया वाराणसी बलिया रेलवे लाइन क्रॉस की है। दोस्तों, उसी ब्रिज पर हम लोग इस समय चल रहे हैं 287 किलोमीटर। आपको यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मऊ जनपद में पड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज है, आरओबी भी है। दोस्तों, जहां से वाराणसी से गोरखपुर देवरिया बलिया छपरा और मऊ सागंज के लिए रेलवे लाइन निकली है। दोस्तों, ये बगल में कृष्णा कॉलेज है और यहां से रोड भी जाता है जो चिड़ियाकोट सरसेना काजा वाया पिपरीडी मऊ को जाता है। दोस्तों, यही मऊ जो जनपद का वह ब्रिज है जो सबसे पहले कम्प्लीट हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इधर की हिस्ट्री में। दोस्तों, और सबसे बड़ा काम हुआ था मऊ जनपद का यहाँ पर। ये वो लोकेशन है दोस्तों, 294 किलोमीटर फ्रॉम चांसराय लखनऊ, और ये गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे नीचे क्रॉस किया, आप देख सकते होंगे उधर दूर ये। और यहाँ पर बना हुआ है बड़ा वाला इंटरचेंज जो गाजीपुर जनपद का पहला इंटरचेंज है, और यहाँ से उतरकर आप मऊ के लिए, गाजीपुर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, चलिए आपको इस लोकेशन को और इस इंटरचेंज को दिखाते हैं। दोस्तों, मऊ जनपद की पिपरीडी रेलवे स्टेशन के पास जो भैंसही नदी का पुल पड़ता है, वहां से मऊ जनपद ख़त्म हो जाता है और गाजीपुर जनपद शुरू हो जाता है। दोस्तों, और गाजीपुर जनपद का यह पहला ब्रिज और पहला इंटरचेंज, देखिए दाहिनी तरफ ये रायपुर बागपुर का इंटरचेंज है, और यहाँ पर एरो भी बिना बना हुआ है कि 500 मीटर के बाद आप मऊ के लिए, गाजीपुर के लिए, वाराणसी गोरखपुर के लिए एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों, इधर टोल प्लाजा का एरिया है दाहिनी तरफ, इधर टोल प्लाजा है, और अब वो जगह आ चुकी है, देखिए आगे इंडिकेटर्स बने हुए हैं, एरो बने हुए हैं, यहाँ से आप मऊ और गाजीपुर के लिए एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों, ये लोकेशन है 295 किलोमीटर, ये इधर बाएँ तरफ से दोस्तों आप गाजीपुर के लिए, मऊ के लिए, वाराणसी के लिए, गोरखपुर के लिए एग्जिट ले सकते हैं, और गोल चक्कर होके अंडरपास के माध्यम से फिर आगे जाके उस मार्ग पर मिल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लेन, ये हैदरिया चढ़ने के लिए है, आप हैदरिया पर 295.4 किलोमीटर की लोकेशन से चढ़ सकते हैं। दोस्तों, गोल चक्कर के माध्यम से, ये देखिए गोल चक्कर, और आगे अंडरपास के माध्यम से आप आगे जाएंगे इधर टोल प्लाजा के एरिया में दोस्तों, और वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे मिल जाएंगे। अब आपको दिखाता हूँ वो लोकेशन जो हैदरिया की तरफ से उतरने के लिए है, 296 किलोमीटर की लोकेशन आप देखिए बाएं साइड में उधर, ये देखिए वो 296 किलोमीटर की वह लोकेशन है जहाँ से आप हैदरिया की तरफ से आके गोरखपुर और मऊ के लिए, वाराणसी के लिए एग्जिट लेंगे। ये वो लोकेशन है दोस्तों 310.7 किलोमीटर की,
310.8 किलोमीटर की लोकेशन ये, और ये पड़ता है कासमाबाद के पास दोस्तों। और यहाँ पर बन रहा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, देखिए यहाँ पर मिट्टी लगाई जा रही है। और इस इलाके में आप दूर देख सकते होंगे कि बैरिकेडिंग की गई होगी, दूर 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 दूर। इधर बोर्ड भी लग चुके हैं फ्यूल सेंटर के, ये देखिए ये फ्यूल सेंटर के बोर्ड भी लग चुके हैं। 310.7 किलोमीटर की लोकेशन है फ्राम चांदसराय लखनऊ, और ये लखनऊ की तरफ से दाहिने तरफ पड़ेगा और हैदरिया की तरफ से बाएं तरफ पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर बनना है फ्यूल सेंटर रेस्ट एंड सर्विस एरिया दोस्तों। लोकेशन है 16 किलोमीटर फ्राम चांदसराय, और यहाँ पर शौचालय लगभग कंप्लीट है, शौचालय यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से आप बाएं एग्जिट ले सकते हैं और यहाँ पर गाड़ी पार्क करके शौच आदि क्रिया से अगर निवृत्त होना है तो निवृत्त हो सकते हैं दोस्तों, लगभग फाइनल के कगार पर। देखिए दोस्तों, हम लोग 322 किलोमीटर की लोकेशन से एक प्लांट है और वहाँ से उतर चुके हैं, और हम लोग जाएंगे आगे करीमुद्दीनपुर होते हुए, लाठूडी होते हुए फेफना। हम आप पहुँचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 325 किलोमीटर फ्रॉम चैनेज चांदसराय लखनऊ की तरफ से दोस्तों। और ये वो लोकेशन है जो बारा चवर को रोड जाता है दोस्तों, इधर से रोड आता है और इधर बारा चवर को जाता है, और यहीं से बनना है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। तो बारा चवर की वह लोकेशन जहां से निकलना है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, उस स्थान पर हम आ चुके हैं दोस्तों, 325 किलोमीटर फ्रॉम चांदसराय लखनऊ। अगर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थ्रू बलिया जाना है तो आप 322 किलोमीटर की लोकेशन से बाएं तरफ से एक प्लांट है, वहां से उतरकर सर्विस रोड पकड़ के 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको बारा चवर वाला अंडरपास मिलेगा। वहां से आप दाहिने हो जाइए और फिर दाहिने वाली सर्विस रोड पकड़ के आप आगे जाएंगे तो आपको करीमुद्दीनपुर लाठूडी होके अपना होते हुए आपको बलिया जाने का रास्ता मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक दोस्तों, कल वीडियो में आपको मैं हैदरिया को भी दिखाऊंगा दोस्तों, और हैदरिया से शुरू करूंगा। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।